कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत। सूत्रों के हवालों से खबर, केजीएमयू में कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग हुई शुरू। यूपी का पहला अस्पताल जहां हो रहा एंटीबॉडी टेस्ट। लखनऊ से बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय कृष्णा से जुड़ चुके हैं। जय, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी का पहला अस्पताल जहां हो रहा एंटीबॉडी टेस्ट, क्या जानकारी है? और बिल्कुल, आपको बता दें, यूपी का पहला अस्पताल जो कि केजीएमयू है, जहां एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो गया है। इससे पहले जो टेस्ट हो रहे थे वो जेनेटिक टेस्ट हो रहे थे, और जेनेटिक टेस्ट केवल जो संक्रमण है इसका पता कर सकते थे, लेकिन वह पुराने संक्रमण का पता नहीं कर सकता था। अब यह संक्रमण कैसे फैला यह जानने के लिए उन लोगों की पहचान करना भी बहुत जरूरी है जो पहले से संक्रमण के शिकार हुए थे और ठीक हो चुके हैं। यही पर एक सीरोलॉजिकल टेस्ट भी काम आ सकता है, जिसे अब एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। जेनेटिक टेस्ट के ठीक विपरीत जय, एक मिनट, एंटीबॉडी टेस्टिंग एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि आखिर एंटीबॉडी टेस्टिंग होता क्या है। बिल्कुल, आपको बताते हैं, जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसमें खून के नमूनों को लिया जाता है और एंटीबॉडी पर काम करते हैं, इसीलिए इनसे एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर के प्रतिरोधक सिस्टम के द्वारा पैदा किया गया सुरक्षा प्रोटीन है, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को बेअसर करने में काम आता है। ये संक्रमण खत्म होने के बाद भी काफी समय तक खून में बने रहते हैं। और सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसमें एंटीन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एंटीबॉडी बैक्टीरिया या वायरस की सतह पर छोड़ते हैं। एंटीजन एक खास तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें एंटीजन संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता किया जा सकता है। खून के नमूने में एंटीजन जो छोड़ते हैं, यदि ये नमूने से संबंधित होते हैं तो इन्हें एंटीजन में पकड़ लेती है और मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण मान लिया जाता है। तो ऐसे में तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो तरह तरह की टेस्टिंग पर काम कर रहे हैं, और ये भी एक नया जो टेस्ट करने का तरीका है उसे वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के जो मामले लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में बढ़ रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में काफी हद तक सफलता हाथ लगेगी। जय, आपसे जानना चाहेंगे, एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत लखनऊ में हो रही है और ये एक बड़ी बात है, ये बताइए आखिर कितना कारगर साबित हो सकता है, क्या लगता है कितना काम करेगा ये? बिल्कुल, आपको बता दें, शुरुआती दौर में जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे थे उसको देखते हुए 10,000 प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय मेडिकल रिसर्च काउंसिल के द्वारा 10,00,000 सेरोलॉजिकल टेस्ट की एंटीबॉडी किट्स के आवेदन मंगाए गए थे, जिन्हें प्रमाणित लैब में पहुंचाया जाना था। और अब ये टेस्ट कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं और इनमें जिस तरह से जो जांच के नमूने हैं वो भी अब जांचे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक इससे बढ़ा। जिस तरह से सरकार ने ट्यूनेट मशीनें गोवा से मंगवाई थी, तो उनसे भी कहीं ना कहीं किफायती दामों में कम समय में जांच रिपोर्ट मिल रही थी। और इसमें भी ये माना जा रहा है कि किफायती दामों में ही कम समय के अंदर जो जांच रिपोर्ट है वो कोरोना मरीजों की मिल सकेगी, जिससे उनका इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा। अमूमन जो पीसीआर किट है उसमें 12 से 24 घंटे का समय लगता है जांच रिपोर्ट आने में, और उसका दाम भी बेहद ज्यादा होता है। हालांकि अब सरकार ने उस पर कुछ राहत दी है और दाम को कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंटीबॉडी टेस्ट और जो ट्यूनिंग मशीन के द्वारा जांच की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण के मरीज हैं उनका इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा, क्योंकि उनकी जांच रिपोर्ट भी जल्द आ सकेगी। जय, जैसे कि आपने ये बताया कि जो पहले जैसे कोरोना के लिए जो सैंपल्स लिए जाते थे उसमें ज्यादा वक्त लगता था, तो जो एंटीबॉडी टेस्टिंग की जो शुरुआत हो रही है इसकी कॉस्टिंग कितनी लगभग अमूनन पड़ सकती है, क्या ये लोगों को कितना ये हेल्प करेगा ये? बिल्कुल, आपको बता दें, एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये 1500 से तकरीबन 2500 के बीच में इसका चार्ज रखा जाएगा, और इससे जो समय है वो भी तकरीबन ये माना जा रहा है कि 6 घंटे के अंदर ही इसके जो नमूने हैं उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी इससे बढ़ावा मिलेगा, और जो दाम है वो भी काफी कम रखा गया है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग भी अपनी टेस्ट करवाना चाहेंगे। ऐसे जो दाम है वो पीसीआर किट का बेहद ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी जांच करवाने से भी बचते हैं। तो सरकार ने कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश में शुरू कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट आए, तो उससे लोगों में संक्रमण का भी पता लग सके।
जी, एक तरफ जहां कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना वायरस में छोटी से छोटी उपलब्धि भी एक बड़ी सफलता लेकर जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एंटीबॉडी टेस्ट की शुरुआत होगी तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि जो लोग हैं उन्हें काफी राहत मिलेगी और इसी के साथ जो टेस्टिंग है वो भी ज्यादा से ज्यादा शुरू हो सकेगी। अब तक केजीएमयू में तकरीबन 2500 से 3000 तक जो जांच है वो होती है पीसीआर किट के द्वारा। अब ट्रूनेट मशीन भी बलरामपुर अस्पताल में शुरू हो गई और ऐसे में केजीएमयू में एंटीबॉडी टेस्ट भी शुरू हो जाएगा, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकेले राजधानी लखनऊ में तकरीबन 7000 से 8000 तक जांच रोजाना हो सकेंगी, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश की जनता को और ज्यादा से ज्यादा जो जांच रिपोर्ट है वो भी सामने आएंगी, तो जल्द से जल्द लोगों में संक्रमण का कितना खतरा है, कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, इसका भी पता लग सकेगा। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी और अहम खबर कह सकते हैं, आपको बता दें कि केजीएमयू में एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है। एंटीबॉडी टेस्टिंग आपको बता दें कि बहुत कारगर साबित इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अब टेस्ट जल्दी हो पाएंगे, रिजल्ट जल्दी पता चल पाएगा और जल्दी मरीज का इलाज शुरू हो जाएगा। तो केजीएमयू में कोरोना को लेकर एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है और यूपी का पहला अस्पताल केजीएमयू है जहां पर एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो रही है। अब माना जा रहा है कि लखनऊ में 7 से 8 हज़ार मरीजों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच हो जाएगी और इसमें सबसे अच्छी बात जो एंटीबॉडी टेस्टिंग की है वो ये कि इसमें कम समय लगेगा और कम समय लगेगा तो जांच जो इलाज है वो जल्दी शुरू हो पाएगा। तो बड़ी और अहम खबर आपको ये बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी का पहला अस्पताल केजीएमयू जहां पर एंटी टेस्टिंग बॉडी की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना टेस्ट जो कराए जाते थे उसमें लगभग 36 घंटे लगते थे, लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग में कम समय लगेगा और इसकी कॉस्टिंग भी कम है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। इसकी कीमत 1500 से 2500 के लगभग बताई जाएगी, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, और इसमें जल्दी इलाज की संभावना से शुरू हो जाएगी। निजी व सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस तो बाकी है ही, ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी वहन